हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ DSAU के एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जिसका नाम है TITP, यानी कि टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स के अंदर एक नए कोर्स को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका जो पार्टनर है, यहाँ पर मैं आपको एक ब्रोशर में दिखाता हूँ। देखो, आप यहाँ पे दे रखा है अनाउंस्ड एडमिशन टू इट्स इन आर्गुरल 2021 एंड 2020 बैच ऑफ टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP इन ऑन एग्जीक्यूटिव पार्टनर विद हाई नोडी डीप फाउंडेशन। दोस्तों, हाई नोडी जो फाउंडेशन है, ये एक जापान का फाउंडेशन है जो बेसिकली स्किल बेस्ड है, स्किल के ऊपर काम करता है, हाई नोडी फाउंडेशन, ठीक है। अब देखो, इसमें जो है एडमिशन ओपन हो रखा है 12 अक्टूबर से इसमें एडमिशन है। तो मैं इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपको प्रोग्राम हाईलाइट बताऊँगा क्या क्या है इसमें। तो इसमें देखो क्या क्या है प्रोग्राम हाईलाइट में इन्होंने दे रखा है, 6-7 की पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने। तो ये जो कोर्स है, ये पायलट बैच है। पायलट बैच इसी साल से स्टार्ट हुआ है, 2021-2022 है DSAU द्वारका कैंपस, जो DSAU का मेन कैंपस है द्वारका का, वहाँ पे ये कोर्स स्टार्ट होगा। जॉब कैटेगरी केयर वर्कर। अब आप देख सकते हो, जॉब कैटेगरी जो है केयर वर्कर है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, वो बेसिकली जो मिनिमम क्राइटेरिया होगी, वो BSc नर्सिंग वालों को या तो GNM या NM वालों को ही मिलेगी, ठीक है। सीटें जो है लिमिटेड है, 60 सीटें अवेलेबल हैं। ट्रेनिंग बाई एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम जापान। मतलब ये है कि इस कोर्स को करने के बाद, बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोर्स से करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगी जो जापान के द्वारा होगी। एश्योर्ड प्लेसमेंट इन जापान अपॉन सक्सेसफुल कम्प्लीशन। मतलब एक जब आपका एक कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा, तो 100% एश्योरिटी है कि आपका जो प्लेसमेंट होगा वो जापान के आसपास, वो जापान एरिया में होगा, ठीक है। 3-5 ईयर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन जापान। आप देख सकते हो, 3-5 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम है जापान में ही होगा आपको यहाँ से कोर्स करने के बाद। प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होने वाला है, एक साल का मान लो आपको, 9-12 मंथ दिया है, मतलब एक साल मान लो प्रोग्राम का ड्यूरेशन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग इन्होंने बता रखा है अबाउट DSAU हाई नोडी पार्टनरशिप। DSAU हाई नोडी पार्टनरशिप क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको की हाईलाइट्स बताता हूँ। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी वार्ड इस्टेब्लिश ऑन अगस्त 2020। ये तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का हो गया, कब ये इस्टेब्लिश हुआ और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा बता रखा है, ठीक है। तो ये जो है DSAU entered into a executive partnership with हाई नोडी फाउंडेशन jointly with in holding corporation limited हाई नोडी और ड्यूली impaneled sending organization to implement to technical intern training program for the youth of India, especially Delhi। इसका मतलब ये हुआ कि basically youth के ऊपर focus कर किया गया है, उनके skill के ऊपर, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है, दो जैसे जापान और इंडिया, तो जापान और इंडिया के बीच का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। अब इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें आप एडमिशन का जो है वो कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो आप, प्रोस्पेक्टस में ये मेन एलिजिबिलिटी हेल्थ केयर सेक्टर केयर वर्कर, मतलब इसमें जो पोस्ट मिलेगा वो केयर वर्कर का मिलेगा। तो एज क्या होना चाहिए, सबसे पहले एज देख लेते हैं। तो एज जो है, आप देखो, फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़, एज जो होना चाहिए वो 27 ईयर का होना चाहिए, या तो 27 ईयर से कम का होना चाहिए, 27 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 27 ईयर, ठीक है। मतलब 1 अक्टूबर 2021 तक 27 ईयर या तो पूरा होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। और बेस लेवल के लिए GNM या BSc नर्सिंग का कोर्स किया होगा तो वो 20 साल से ऊपर का ही होगा, 20-22 साल से ऊपर का ही होगा, 25-27 के बीच में उन लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा। सर्टिफाइड ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, जो आपको जो भी लाइसेंस मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो आपको सर्टिफाइड होना चाहिए ANM, GNM या BSc नर्सिंग के थ्रू, ठीक है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ TITP, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए TITP की। देखो यहाँ पे, इट इज़ मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट हैज़ कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द TITP प्रोग्राम। हाई नोडी सेल्फ प्रोवाइड डिटेल्स एंड रिपीटेड ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। जो नेक्स्ट जो है वो है गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो कैंडिडेट है उनके फिजिकल हेल्थ गुड होना चाहिए और मेंटल हेल्थ भी गुड होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो हेल्थ वर्कर के लिए, तो आप में ये चीज़ रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए, रहना ही चाहिए आपके पास। यहाँ पर दिया, कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी सबस्टेंस अब्यूज विद नो हिस्ट्री, ठीक है। एंड कैंडिडेट शैल बी एडिशनली टू बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक फिजिकली एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा उसके थ्रू। और यहाँ पर देखो, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आपकी गुड होनी चाहिए, गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग राइटिंग कन्वर्सेशनल, गुड इंटरपर्सनल स्किल,
एंड स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट मस्ट कैरी स्ट्रांग ऑफ सिंसियर सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल एनी डोमेस्टिक प्रोफेशनल एंड एकेडमिक ऑब्लिगेशन। मतलब ये कि अगर आप इस वर्क सेक्टर में जाते हो तो आपको हर एक चीज़ से मुक्त रहना है, मतलब आपको फ्री रहना है। आप कोई भी घर के तनाव या कोई आपके पास पर्सनल काम है या एकेडमिक ऑब्लिगेशन है, आप उसको साथ में नहीं कर सकते। कंसेंट टू टी आई टी पी टर्म एंड कंडीशन ऑफ हाई नोडी डिपार्टमेंट, हाई नोडी मतलब ये है कि TITP और का और हाई नोडी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। कैंडिडेट सेल बी आल्सो इनरोल्ड इन द TITP प्रोग्राम ऑफ हाई नोडीज एंड सेल नीड्स टू बी कंसेंट टू इट्स टर्म एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन सेल बी एक्सप्लेनिंग ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जो है, वो जो भी कैंडिडेट हैं शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके बाद उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में समझा दिया जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है इसका मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है इस बार का, अभी तो हाल ही में नया लॉन्च हुआ है। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन आपको डालना होगा, एप्लीकेशन जैसे आप फिल करेंगे डाउनलोड एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ DSEU एंड रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। मतलब सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भरना होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपके मेरिट के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन मेरिट इंक्लूडिंग एंट्रेंस एंड इंटरव्यू प्रोसेस। तो इसके थ्रू आपका पहले तो मेरिट बनेगा, उसके बाद जनरल ओरिएंटेशन होगा। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इंट्रोड्यूस विद TITP प्रोग्राम थ्रू अ जनरल ओरिएंटेशन क्वेश्चन आंसर सेशन। तो जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके जनरल प्रोग्राम में TITP के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जनरल ओरिएंटेशन होगा उसमें। इनरोलमेंट इन TITP आल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेल वंस बाय बी प्रोविजनली इनरोल्ड इन द TITP प्रोग्राम ऑफ हाई नोडी डिटेल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ TITP प्रोग्राम इन हाई नोडी। फाइनल सिलेक्शन ऑफ TITP, जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बाय द हाई नोडी फॉर TITP बेस्ड ऑन ग्रुप इंडिविजुअल इंटरव्यूज और ग्रुप। देखो पहले आपका GT होगा, मतलब जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका GT होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन दोनों के बेसिस के आधार पर आपको एक मेरिट बनाया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड कंपटीशन ऑफ द एडमिशन इन DSEU, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर TITP सेल कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी एंड DSEU। जब का फाइनल जो है वो सबमिशन होने वाला है, वो होने वाला है आप इन्हीं इंटरव्यू के आधार पे। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको DSEU में एडमिशन, जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलने वाला है एक साल का 9th मंथ का, वो आपको उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। अभी टाइमलाइन देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखो टेंटिव टाइमलाइन है ये, यहाँ पे देख लो आप। स्टार्ट ऑफ जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग December 2021 में, मतलब आपके एडमिशन के बाद आपका जो है स्टार्ट ऑफ जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग December 2021 में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट ऑफ डोमेन ट्रेनिंग केयर वर्कर अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा एंड September 2022 में जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डोमेन टेस्ट सितंबर में होगा एंड प्लेसमेंट इंटरव्यू ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब इसमें जो है ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डोमेन टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उसके बाद आपका प्लेसमेंट जो होगा वो मतलब इंटरव्यू के आधार पर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेंगे। और इसके बाद से लास्ट जो है December 2022 में आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट जो भी मिलेगा आपको अदर कंट्री में ही मिलेगा। आपने देखा इसके पहले मैं आपको बता रखा था 3 to 5 year इंटर्नशिप इन दी जापान, तो जापान में ही आपको मिलने वाला है इसका प्लेसमेंट। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है जो भी कर रखे हैं लोग BSc नर्सिंग और ENM का कोर्स, तो आप जब भी इसमें अप्लाई करें ट्राई करें। 60 सीटें हैं और पहली बार इनिशिएटिव भी है DSEU ने, तो जाहिर सी बात है DSEU जॉब के सेक्टर में और एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में अपना एक कदम बढ़ा रही है, तो इसमें भी बहुत अच्छा करेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो में अगर आपको कोई परेशानी हुई हो या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ के पूछ सकते हैं। तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।